लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 9B. मिस्टर लाल बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 18,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मिस्टर लाल विल पे. सिंपल निकालना है बच्चों, इसमें अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है. फर्स्ट राइट पी. मिस्टर लाल बोरोड अ सम ऑफ रुपीज़ 18,000. इट मीन्स पी इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000. आर इज इक्वल टू 18% पर एनम. नाउ वी फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो रेट डिवाइडेड बाय टू. 18 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 9% हाफ ईयर. ठीक है. नाउ टी इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स. 18 मंथ्स. 18 मंथ्स का क्या बच्चों मतलब होता है? 18 मंथ्स को अगर आप पहले फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द ईयर, 18 अपॉन 12, इट मींस 3 6 18 4 12. 2 3 6, 2 2 4, कितना आ गया बच्चों? 3/2 ईयर. ये तो ईयर में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई बाय टू. तो कितना आएगा? 3/2 × 2 2 2 तो कितना हो जाएगा? 3 1/2 ईयर्स. क्योंकि इसमें हमें क्या फाइंड करना है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इफ़ वी फाइंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली वी डिवाइड रेट बाय टू एंड वी मल्टीप्लाई टाइम बाय टू. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ए इज इक्वल टू, राइट द फॉर्मूला. ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 raised to the power n. पी इज इक्वल टू 18,000. 1 + r कितना है बच्चों इसमें? अब हमने फाइंड किया 9/100. टाइम इज इक्वल टू 3. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, सो वी राइट सेम. 18,000 × 100 + 9 100/9 109/100³. ए इज इक्वल टू 18,000 × 109/100 × 109/100 × 109/100. Now 20 cut by 20, 10 cut by 10, 25 is 10, 29 is 18. Now it is not divisible by the same number, so multiply 109 by 9 is equal to 981. 109 multiply by 109, we get 11,881. Divided by 500 is 500. Clear? Now multiply this. If we multiply 981 × 11881, we get 11655261. Now divided by 500. पहले आप इसको डायरेक्ट, चलिए 500 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है? 23310.52. सो अमाउंट इज इक्वल टू 23,310.52 रुपीज़. क्लियर. नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज इक्वल टू 23,310.52 माइनस पी इज इक्वल टू 18,000. पॉइंट लगा के 20 लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 52 0 - 0 0. पॉइंट लगा दीजिए. 1 - 0 1, 3 - 0 3, 13 - 8 5. तो कितना आ गया बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,310.52 रुपीज़. क्लियर एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. इन व्हाट टाइम पीरियड विल ₹64,000 अमाउंट टू ₹68,921 at 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो बच्चों इसमें क्या फाइंड करना है? व्हाट टाइम?
इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टाइम पी इज इक्वल टू रुपीज 64,000 एंड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 68,921। नाउ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट मीन्स टाइम मल्टीप्लाई बाय टू, टी इज इक्वल टू, बच्चों इसमें क्या लेंगे, टी इज इक्वल टू एन लिखते हैं, आपको मालूम है, लेकिन बिकॉज इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली सो वी मल्टीप्लाई बाय टू, तो टी कितना हो गया, टी इज इक्वल टू टू एन, वी टेक टू एन। नाउ रेट, रेट कितना दिया हुआ है इसमें आपको, 5% पर एनम, 5/2% हाफ ईयरली, और टू एन में क्या लिखेंगे, हाफ ईयर्स, ठीक है। नाउ फाइंड द, राइट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 इज टू द पावर एन। अब इसमें आप हाफेडली के अकॉर्डिंग बाय पुटिंग द वैल्यू, ए इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, ए इज इक्वल टू 68,921, पी इज इक्वल टू 64,000, 1 + R कितना दिया हुआ है, R/2 फाइंड किया हमने यहाँ पर नीचे 100, इन द प्लेस ऑफ n वी यूज 2n। नाउ 68,921 64,000 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया बच्चों, 1 + R/200 रेज टू द पावर 2n। क्लियर है सबको? अब आप इसको पावर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये देखिए आप। फर्स्ट आप इसमें आर के साथ में आपको 5 भी लिखना था, सॉरी 5/2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 + 5/200। नाउ सॉल्व इट, 68,921 मीन्स 41 × 41 × 41, 64,000 मीन्स 40 × 40 × 40, 200 × 200, 200 + 5, 205/200 होल पावर 2n। अब आप इसमें इसको पावर्स में कन्वर्ट करिए, 41 raised to the power कितना आएगा बच्चों, 3, 40 raised to the power 3, 205/200 2n। नाउ 41/40 होल पावर 3 इज इक्वल टू 205/200 होल पावर 2n। नाउ वी टेक पावर्स ओनली बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर, 2n इज इक्वल टू 3, 2n इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1 whole 1/2 years, इसका मतलब 1 whole 1/2 years टाइम पीरियड विल रुपीज 64,000 कन्वर्ट इनटू अमाउंट 68,921। क्लियर एवरीवन? नाउ टाइम इज इक्वल टू 1 whole 1/2 years। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर कल्पना एसोसिएट लेंट आउट रुपीज 4 lakh फॉर 1 year एट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच दे कुड अर्न इफ द इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली एंड बी पार्ट इज क्वार्टरली। आपको इसमें टू पार्ट्स में क्वेश्चन निकालना है बच्चों, तो फर्स्ट राइट ए पार्ट हाफ ईयरली, राइट प्रिंसिपल फर्स्ट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 4 lakh एंड रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 16 / 2, इट मीन्स 8% हाफ ईयरली नॉट एनुअली। नाउ राइट टाइम, टाइम इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स दे कुड कंपाउंडेड एनुअली मिस्टर कल्पना एसोसिएट लैंड आउट फॉर 1 year, टाइम इज इक्वल टू 1 year, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय टू, 1 × 2
क्या लिखेंगे? हाफ ईयर्स. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ए इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट राइट फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड होल पावर एन. बाय पुटिंग द वैल्यू पी इज इक्वल टू 4 लैख, वन प्लस आर इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 होल पावर 2. नाउ ए इज इक्वल टू 4 लैख इंटू 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 20 कट बाय 20, 20 कट बाय 20. नाउ 40, ए इज इक्वल टू 40 इंटू 108 इंटू 108, मल्टीप्लाई दिस 40 इंटू, इफ वी मल्टीप्लाई 108 बाय 108 वी गेट 11,664. ए इज इक्वल टू 40 इंटू 108 इंटू 108, 40 इंटू 108 इंटू 100 इज इक्वल टू 11,664. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई बाय 40 वी गेट रुपीज 4,66,560. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज इक्वल टू 4,66,560 माइनस 4 लैख. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 66,560 if compounded half yearly. Clear? Now B part, what is the B part? Quarterly. P is equal to rupees 4 lakh. T is equal to 1 year. If quarterly we pay the compound interest, we multiply the time by 4. 1 into 4, it means 4, 3 months, yeah, 4 quarterly. Okay. R is equal to how many percent R? R is equal to 16% per annum. Now, it is divided by 4. 16 upon 4, 4, 4 is 16. So, kya aayega bachcho? 4% quarterly. ठीक है. नाउ राइट द फॉर्मूला. ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड होल पावर एन. ए इज इक्वल टू 4 लैख, वन प्लस 4 अपॉन 100 होल पावर 4. नाउ ए इज इक्वल टू 4 लैख इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100. बच्चों हमने ये इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं किया कि ज़ीरो से ज़ीरो कटती चली जाएंगी. ज़ीरो कट बाय ज़ीरो, ज़ीरो कट बाय ज़ीरो, नाउ 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10. टू नाउ 2 5s are 10, 0 का 0. 104 multiply by 104 वी गेट 10816 इंटू 10816 डिवाइडेड बाय 5 5s are 25, 0. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई दीज वी गेट 1169858856 डिवाइडेड बाय 250. इफ वी डिवाइडेड बाय 250 we get 4,67,943.42 rupees. It is amount. Now compound interest is equal to amount minus principal. 4,67,943.42 minus 4 lakh.
कितना आता है बच्चों? 67943.42 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इट इज आंसर. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो.